हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन माइंड ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में फॉर आरजीपीबी डिप्लोमा स्टूडेंट। आरजीपीबी से जो भी बच्चा डिप्लोमा, जिसे हम लोग पॉलिटेक्निक बोलते हैं, वो कर रहे हैं बेटा, तो फर्स्ट सेमेस्टर में उन्हें पढ़ना पड़ता है केमिस्ट्री। तो आज मैं आपको केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा बेटा। चले तो आप कंफ्यूज मत होना, है ना। ये बीटेक के लिए नहीं है, आपके डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए है। बीटेक वालों के लिए मैंने बता दिया, आप वीडियोस में जाएंगे तो आपको बीटेक के लिए भी केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए बेटा, एक बात आप समझ लीजिए कि एग्जाम में 20 दिन बचा हुआ है और आपको केमिस्ट्री में पास होना है बेटा। मैं आपको सिंपल सा इक्वेशन बता रहा हूं। यहां पर मैंने टोटल 55 क्वेश्चंस को सेलेक्ट करा है। टोटल कितने क्वेश्चन है बेटा? 55 क्वेश्चन से मानकर चलो, अरे 60 मान लो, चलो मानकर चलो कि 60 क्वेश्चन है। ठीक बोलोगे? यस सर। आप कुछ मत करो, आपके एग्जाम में 20 दिनों का समय है। आपके एग्जाम में कितने दिन का समय है बेटा? 20 दिन का समय। अगर आप डेली दो क्वेश्चन भी याद करते हो, अगर आप केमिस्ट्री के लिए डेली दो घंटा बैठोगे ना, डेली दो घंटा आप केमिस्ट्री को दो, ठीक है, दो घंटे में बेटा आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो याद हो ही जाएगा। अगर मैं मिनिमम 2 क्वेश्चन भी मानकर चलूं तो आप 40 क्वेश्चन कर पाओगे बेटा, और 40 क्वेश्चन करने के बाद कोई फेल नहीं हो सकता। ये सिंपल सा गणित आप समझ लीजिए। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई घबराने वाली जरूरत नहीं बेटा। आप इतना बस कर लो कि अब आपको डेली 1.5 से 2 घंटा केमिस्ट्री को देना है। और भाई साहब, 2 घंटे में 2 क्वेश्चन में बहुत कम बोल रहा हूं, आप आराम से नोट कर सकते हो, याद भी कर सकते हो। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हो बेटा तो आपका आराम से केमिस्ट्री हो जाएगा, क्योंकि 40 क्वेश्चन याद करने के बाद कोई फेल नहीं हो सकता। इससे पहले मैंने फिजिक्स 1 का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाके फिजिक्स 1 का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो बेटा। और मैथमेटिक्स 1 के लिए बच्चे बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो बेटा मैथमेटिक्स 1 तो आपको पढ़ना पड़ेगा चैप्टर बाय चैप्टर, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, ये किसी को नहीं पता, तो वो कंसेप्ट वाइज आपको पढ़ना है। इसलिए मैथमेटिक्स 1 में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दे सकता है। फिजिक्स 1 में मैं दे सकता था, मैंने दिया। केमिस्ट्री में मैं दे सकता था, मैंने दिया। अब फिजिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, ये ऐसे सब्जेक्ट है बेटा जो आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, रट्टा मारकर आप पास नहीं हो सकते हो, ठीक है। चलिए, तो फिजिक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, एकदम रूटीन बना लो, आराम से पास हो जाओगे डेली 2 घंटा। किसको? केमिस्ट्री को, है ना। और कभी मूड अच्छा रहा तो 3 क्वेश्चन भी कर लेना। अगर आप 5 क्वेश्चन इसमें ज्यादा कर लोगे तो आपके लिए क्या रहेगा बेटा? बेनिफिट रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी करते हो बेटा तो 40 क्वेश्चन का आप टारगेट बना लो, है ना। फिर एग्जाम में लिखना कैसे है ये मैं आपको बता दूंगा। एग्जाम से पहले एक वीडियो आएगा डिप्लोमा वालों के लिए कि भैया एग्जाम में लिखना कैसे है, है ना। तो उस समय मैं वीडियो बनाऊंगा एग्जाम को टैकल करने के लिए, कि किस तरीके से एग्जाम को अपन को हैंडल करना। फिलहाल आप पढ़कर रखिए बच्चा, ठीक है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूनिट नंबर 1 के, इसको आप चाहो तो नोट कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन है आपके यूनिट नंबर 2 के, इनको भी आप चाहो तो नोट कर लो। ये क्वेश्चन है यूनिट नंबर 3 का। यूनिट नंबर 3 बहुत बड़ा है बेटा, यूनिट नंबर 3 बहुत बड़ा है, ठीक है। टोटल इसमें आपके 20 क्वेश्चन है बेटा, करना पड़ेगा आपको, है ना, कोई उपाय नहीं, करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, यहां 11 क्वेश्चन हो गए ये यूनिट नंबर 4 के, एंड बेटा ये आपके यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन में से आप कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन कर लो, आप आराम से पास हो जाओगे। अगर अभी तक आपने मैथमेटिक्स 1 का कोर्स नहीं लिया है, मैथमेटिक्स को बेटा मैं सिंपली से एक बात बोलता हूं कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट है उसके लिए कोर्स मत लो, और अगर आपको डर लग रहा है तो भाई मैथमेटिक्स 1 जब मैंने पढ़ा रखा है तो डरने की कोई जरूरत नहीं, आप कोर्स लो और अपने प्रिपरेशन को करो। फीस कितना है? 500। उसी तरीके से फिजिक्स 1 का भी कोर्स मैंने लेकर आया हूं, है ना। अगर फिजिक्स 1 में आपको कॉन्फिडेंट नहीं है बेटा तो आप ले लो 499 का कोर्स और पढ़ो ना, डरने से क्या दिक्कत है। डरने से क्या दिक्कत है, डरने का क्या मतलब है जब मैंने पढ़ा दिया। थोड़ा सा एक मिनिमम फीस रखते हैं बेटा ताकि बच्चे क्या ध्यान से पढ़ पाए। अगर सारी चीजें यूट्यूब में फ्री करने लगो तो मेरे कंटेंट में भी क्वालिटी नहीं रहेगा। मैं चाहूंगा फ्री में उतना ही पढ़ाऊं जितने में काम चल जाए। भाई आप फीस देके पढ़ते हो, चीजों को मैं अच्छे से डिटरमाइन करता हूं, आपके नोट्स वगैरह सारी चीजें बना देता हूं, ठीक है। अगर आपका मैकेनिक्स वगैरह में बैक है तो मैकेनिक्स का भी लेक्चर आपको मिल जाएगा डिप्लोमा के लिए,
ठीक है बेटा, बाकी केमिस्ट्री में कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन आप याद कर लो, आपका काम बन जाएगा। अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।